हेलो फ्रेंड्स, जो हमने प्रीवियस कंप्यूटर ऑपरेटर का एक पेपर सॉल्व किया था, तो उसमें हमने 70 क्वेश्चंस जो कंप्यूटर के थे वो सॉल्व कर लिए थे, और आज जो है रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो मैं स्टार्ट करूँगा 51 से, और 100 तक जितने भी क्वेश्चंस होंगे कंप्यूटर के, उनको हमने सॉल्व करना है। ये एक प्रीवियस पेपर है कंप्यूटर ऑपरेटर का। सो आपका सिलेबस और इनका सिलेबस अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है, तो आपने इन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है जी, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है द थर्ड लेयर ऑफ OSI मॉडल। क्लियर? OSI मॉडल के नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, वहाँ पे टोटल 7 लेयर्स होती हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी लेयर किस नंबर पर प्रेजेंट होती है। सो सबसे बॉटम में कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है? फिजिकल लेयर। ठीक है जी, जो यहाँ पे बी ऑप्शन में दी हुई है। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे बॉटम में आएगी आपके पास फिजिकल लेयर, फिर नेक्स्ट आती है डेटा लिंक लेयर, नेक्स्ट आती है नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर के बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद नेक्स्ट है सेशन लेयर, नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन लेयर, और लास्ट में फिर जाके आती है आपके पास एप्लीकेशन लेयर। क्लियर? सो टोटल ये 7 लेयर्स होती हैं। अब यहाँ पे आपको थर्ड लेयर पूछा है, तो काउंटिंग जो है वो हमेशा बॉटम से स्टार्ट होगी, तो आपने ध्यान रखना है फिजिकल लेयर जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लेयर 1, डेटा लिंक लेयर जो 2 है, और नेटवर्क लेयर जो है वो कौन सी होती है, 3। क्लियर? सो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास क्या हो जाएगा, द थर्ड लेयर ऑफ OSI मॉडल इज़ नेटवर्क लेयर, दैट इज़ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन भी जो है वो इसको बोला जाता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। OSI मॉडल एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से कम आपको 2 क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछे जाएंगे पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट पर्टेनिंग टू द इंटरनेट। इनमें से ऐसी कौन सी टर्म है जो इंटरनेट से संबंधित नहीं है, तो वो आपको सबको पता है कि कीबोर्ड जो है वो इंटरनेट से संबंधित नहीं है, क्योंकि कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, ये आप ध्यान रखें। बाकी लिंक, ब्राउज़र, सर्च इंजन, ये सारे जो है वो इंटरनेट से रिलेटेड होते हैं। अब आपने यहाँ पे क्या काम करना है, सर्च इंजन को पढ़ें कि सर्च इंजन क्या है, जैसे गूगल है, याहू है, बिंग है, ये सारे जो है वो सर्च इंजन होते हैं। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपको 4 सर्च इंजन की ऑप्शन दी होगी, और उनमें से बोलेंगे कि इनमें से कौन सा जो है वो सर्च इंजन नहीं है, तो वो आपने फाइंड आउट करना होता है। क्लियर? सिमिलर वैसे ही ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर में। अगर आपके कंप्यूटर में ब्राउज़र इंस्टॉल नहीं है, तो आप अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में जो है वो इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते। और लिंक तो बेसिकली क्या होते हैं कि जहाँ पे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिंक। क्लियर? सो ये सारी चीज़ें हैं। एक कई बार एक क्वेश्चन से 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, तो ब्राउज़र को आप ज़रूर पढ़ें, कौन कौन से ब्राउज़र आपके पास हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि 4 ब्राउज़र दिए होंगे, उनमें से एक कोई ब्राउज़र नहीं होगा, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो ऐसी चीज़ें जो है वो बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बर्ड बाइट वेब इज़ इन्वेंटेड बाई, जो WWW है ये किसने इन्वेंट किया था, तो ये आप ध्यान रखें कि टिम वर्नर ली ने इसको इन्वेंट किया था। क्लियर? अब इससे रिलेटेड आपने ये भी पढ़ना है कि कब इन्वेंट किया था, और दूसरा आपने ये भी पढ़ना है कि ईमेल सबसे पहले किसने की थी और कब की थी, ये आपके लिए एक असाइनमेंट होगी, तो साथ साथ आप इसको भी पढ़ते रहें। क्लियर? ईमेल की हिस्ट्री जो है वो आपने पढ़नी है, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको बोलते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, टिम वर्नर ली जो है इसी ने ही जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज टैग्स के साथ बनती है, उस लैंग्वेज को भी क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये भी किसने डेवलप की थी, टिम वर्नर ली ने। सो ध्यान रखना है, WWW आ जाए या फिर HTML आ जाए, तो ये दोनों ही जो है वो किसने इन्वेंट किए थे, टिम वर्नर ली ने, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है जी, और ईमेल की हिस्ट्री जो है वो आपने खुद पढ़नी है। नेक्स्ट है विच ऑफ़ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉट परफॉर्म्ड बाय सर्वर। मैंने आपको प्रीवियस भी कहा था सर्वर क्या है, एक बड़ा कंप्यूटर होता है जो दूसरे कंप्यूटर्स को अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, तो उसका क्या क्या काम होता है, ईमेल प्रोसेसिंग वो करेगा, डेटाबेस शेयरिंग वो करेगा, स्टोरेज तो ऑटोमेटिकली अगर कंप्यूटर है तो स्टोरेज वहाँ पर होगी होगी, बट वर्ड प्रोसेसिंग जो है वो वहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर वर्ड लिख दिया इन्होंने, सो वर्ड का क्या मतलब होता है, जो अक्षर हम लिखते हैं, या टेक्स्ट प्रोसेसिंग जिसको बोला जाता है, सो वो बेसिकली यहाँ पे नहीं होती है। वर्ड प्रोसेसिंग कौन करता है, वर्ड प्रोसेसिंग जो है वो कौन सॉफ्टवेयर करता है, MS वर्ड करता है। क्लियर? ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
विच ऑफ द टर्म विच वट इज़ द टर्म फॉर अनसोलिसिटिकेटेड ई मेल, अनसोलिसिटिकेटेड ई मेल के लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाती है, तो वो आप ध्यान रखना है स्पैम यूज़ करते हैं, क्लियर। विच ऑपरेटिंग मोड ऑफ टेलनेट इज़ फुल डुप्लेक्स, कौन सा ऑपरेटिंग मोड जो है वो फुल डुप्लेक्स होता है। फुल डुप्लेक्स का क्या मतलब है कि एक टाइम पर आप डेटा सेंड भी कर सकते हैं और एक टाइम पर ही उसी टाइम पर आप डेटा रिसीव भी कर सकते हैं, मतलब सेंडिंग एंड रिसीविंग दोनों जो है वो पॉसिबल होती हैं एट द सेम टाइम, तो उसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, लाइन मोड। इसको मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ, ये होते हैं डेटा ट्रांसमिशन मोड्स। इसमें एक आता है सबसे पहले सिंप्लेक्स मोड, दूसरा होता है हाफ ड्यूप्लेक्स मोड और तीसरा होता है फुल ड्यूप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड में सेंडर जो है वो सेंड ही करेगा और रिसीवर जो है वो हमेशा रिसीव ही करता है, जैसे हमारे टीवी एंटीनाज या डिशेज होती हैं। हाफ ड्यूप्लेक्स के केस में क्या होता है कि सेंडर सेंड भी कर सकता है और रिसीवर रिसीव भी कर सकता है, सिमिलर वैसे ही सेंडर जो है वो रिसीव भी कर सकता है और सेंडर जो रिसीवर जो है वो सेंड भी कर सकता है, क्लियर। सो सेंडर ऐसा नहीं है कि सेंड ही करेगा, वो रिसीव भी कर सकता है बट सेम टाइम पर नहीं करेंगे। तो इसकी एग्जांपल होती है जैसे वॉकी टॉकी होते हैं कि एक पर्सन बोलता है तो दूसरा सुनता है, जब दूसरा बोलेगा तो पहले वाला जो है वो सुनेगा। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन है तो साइमल्टेनियसली आमने सामने वाले जो है वो बात कर सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, फुल डुप्लेक्स, जहाँ पर डेटा को हम सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं एट द सेम टाइम, ये आप ध्यान रखें। तो इनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं ये, और तीन कैटेगरी के होते हैं, एक सिंप्लेक्स और एक हाफ ड्यूप्लेक्स और एक फुल ड्यूप्लेक्स जो मैंने आपको बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ HTML पेजेस, की कौन सी टाइप नहीं होती है, तो ध्यान रखना है स्टैटिक HTML पेजेस होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते हैं, डायनेमिक HTML पेजेस होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, डायरेक्टरी लिस्टिंग जहाँ पे सारे HTML पेजेस आपको शो होते हैं, और नॉर्मल जो है वो HTML पेजेस की कैटेगरी नहीं है। नेक्स्ट है कोड रेड इज़, कोड रेड क्या है, तो कोड रेड एक वायरस है बट ये स्पेशल कैटेगरी का वायरस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉर्म, क्लियर। तो राइट वंस रीड मैनी, ये जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है, राइट वंस एंड रीड मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड, पासवर्ड चुराना ड्यूरिंग इंटरनेट सर्फिंग, किसी दूसरे के पासवर्ड को हैक करना या ऐसा, तो सॉरी स्पेशली जब पासवर्ड को स्टील करते हैं हैकिंग के थ्रू, क्लियर, तो उस टर्म को जो है वो हैकिंग नहीं बोलते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। उस टर्म को क्या बोला जाता है, स्पूफिंग बोला जाता है उस टर्म को, क्लियर। पासवर्ड को हैक करना या पासवर्ड को चुराना डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स के साथ, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई कॉल करता है, जी आप अपना ईमेल आईडी बताइए, आप अपना पासवर्ड बता दीजिए, हम यहाँ से बोल रहे हैं, हम वहाँ से बोल रहे हैं, तो ये बेसिकली जो टेक्निक्स होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, स्पूफिंग बोला जाता है, क्लियर, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन रेफर्स टू ऑपरेशन ऑफ, जो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन होती है वो किस चीज़ का ऑपरेशन होता है, तो ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन जो है वो ऐड से रिलेट की जाती है, और जो लॉजिकल एडिशन या एडिशन होती है वो किसके साथ रिलेट की जाती है, और गेट के साथ। और नॉट का क्या मतलब होता है कि अगर रिजल्ट ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा और फॉल्स होगा तो उसको ट्रू कर देगा। द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज़ नोन एज, स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड को क्या बोलते हैं, इंक्रिप्शन बोला जाता है। जब भी हमारा यूज़र नेम पासवर्ड, हम कहीं पे जीमेल में अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करते हैं तो उसको वेरीफाई करने के लिए जीमेल के सर्वर पे भेजा जाता है कि हमें चेक करना है कि ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर किया है वो वैलिड है कि नहीं है। तो वो सारी जो चेकिंग होती है, जब भी डेटा सेंड किया जाएगा टुवार्ड्स सर्वर, तो वो हमेशा हमारा जो पर्सनल डेटा होता है वो हमेशा इनक्रिप्ट करके सेंड किया जाता है, सो दैट कि ड्यूरिंग ऑन द वे हमारे जो हैकर्स होंगे वो उस इन्फॉर्मेशन को ईजिली असेस ना कर सकें, क्लियर। सो चेंज करके भेजते हैं एक्चुअल में, जैसे मान लीजिए कि अगर मेरा यूज़र नेम 123 है तो 1 के बाद 2 स्टार लगा देंगे, 3 के बाद भी 2 स्टार लगा देंगे, 2 के बाद भी 3 स्टार लगा देंगे, थोड़ा सा उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं। सो ये आपने ध्यान रखना है, द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज़ नोन एज इनक्रिप्शन। तो सेंडर के एंड पर इंक्रिप्शन की जाती है और जो डेटा को रिसीव करेगा उसके एंड पर डिस्क्रिप्शन की जाती है कि दोबारा उस डेटा को फिर से चेंज करना ओरिजिनल फॉर्म में, तभी जो है वो रिसीवर को वो डेटा समझ आएगा, ये ध्यान रखना है आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कैन बी यूज्ड एज पैरेलल टू सीरियल सीरियल डेटा कन्वर्टर, क्लियर। पैरेलल टू सीरियल डेटा कन्वर्टर कौन करता है, मल्टीप्लेक्सर। तो ध्यान रखना है कि मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा डिवाइस है जहाँ से इनपुट जो है वो मल्टीपल आएंगे आपके पास, बट जो रिजल्ट निकलेगा वो सिंगल होके निकलेगा, क्लियर। और मल्टीप्लेक्सर की टाइप्स कैसी होती हैं, जैसे 2:1,
4:1, 8:1 या 16:1, ऐसे करके मल्टीप्लेक्सर जो अब होते हैं। तो यहाँ पे कई बार आपको हो सकता है कि पूछ लें कि विच वन इज़ नॉट द मल्टीप्लेक्सर की कैटेगरी, कौन नहीं है, तो गलती से क्या करेंगे, आपको जानबूझ के आपको ऐसा बोल देंगे जी 5:1। तो आपने ध्यान रखना है ऐसे मल्टीप्लेक्सर नहीं होते हैं। मल्टीप्लेक्सर हमेशा हमेशा कैसे होते हैं, 2:1, 4:1, 8:1 या फिर 16:1 या फिर 32:1, ध्यान रखना है आपने। तो मल्टीप्लेक्सर जो है वो 62 का आंसर हो जाएगा, दैट इज़ सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा कैन बी चेंज फ्रॉम स्पेशल कोड टू टेम्परेरी कोड बाय यूजिंग, तो शिफ्ट रजिस्टर के साथ जो है वो हम डेटा चेंज कर सकते हैं, बाकी किसी भी के भी साथ जो है वो डेटा चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंपाइलर इंटरप्रेटर से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। कंपाइलर ट्रांसलेट द सोर्स कोड, ध्यान रखना है सोर्स कोड क्या होता है, जो कोडिंग हम करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। तो कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, मशीन कोड और बाइनरी कोड, मशीन कोड भी बोलते हैं, बाइनरी कोड भी बोला जाता है और ऑब्जेक्ट कोड भी बोला जाता है। सो इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ए एंड बी, क्लियर, दोनों ही इसके आंसर है। एग्जीक्यूटेबल कोड कौन सा होता है, जो फाइल्स डॉट ई एक्स ई वाली फाइल्स होती है, कभी आप जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो हमेशा आपको डॉट ई एक्स ई वाली फाइल जो है वो रन करनी पड़ती है, सो वो कंपाइलर जनरेट नहीं करता है, ये आपने ध्यान रखना है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, बाइनरी कोड। ध्यान रखना है कंपाइलर जो है सारे प्रोग्राम को इकट्ठा ही कंपाइल कर देता है, उसका मशीन कोड या बाइनरी कोड या फिर उसका ऑब्जेक्ट कोड जो है वो बना देगा 0-1 की फॉर्म में, सो दैट कंप्यूटर को जो हम समझाना चाहते हैं वो कंप्यूटर समझे, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में जब हम किसी कुछ चीज़ लिखते हैं तो वो कंप्यूटर को समझ नहीं आती है, कंप्यूटर को क्या समझ आता है, बाइनरी लैंग्वेज। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। इंटरप्रेटर जो है वो स्लो है, इसका रीज़न है कि इंटरप्रेटर लाइन वाइज लाइन करता है और कंपाइलर जो है वो पूरे प्रोग्राम को इकट्ठा ही कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ और आर परफॉर्म्ड बाई पार्सर, ये एक कंपाइलर का टॉपिक है, आपको नहीं आएगा बट फिर भी आपने ध्यान रखना है, पार्सर का जो काम होता है वो शिफ्ट करना, रिड्यूस करना, सेप्ट करना सारे ही होते हैं, सो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलप्ड इज़ डिपेंडेंट अपॉन, कब जब अब सॉफ्टवेयर बनता है तो मैनेजमेंट उसकी किस पर डिपेंड करती है, ये पूछा जा रहा है, तो पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस, इसका आंसर भी जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फर्स्ट स्टेप इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसको शॉर्ट में जो है वो हम क्या बोलते हैं, SDLC भी बोला जाता है, क्लियर। जब भी सॉफ्टवेयर बनता है तो हमेशा उसकी SDLC पहले डिज़ाइन की जाती है, तो SDLC बेसिकली ये होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या फिर कई बार सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी लिखा होता है। जब भी हमें कभी कहीं पे बोला जाए कि सॉफ्टवेयर बनाइए तो उसका जो पहला काम होता है वो ये है कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है, सॉफ्टवेयर कैसा बनाना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, तो वो हमारा स्टेप क्या बन जाएगा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, ये आप ध्यान रखें। तो SDLC का जो पहला फेज होता है दैट इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्टेप ऑफ फिजिकल डिज़ाइन इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मॉडल, तो इसका आंसर जो है वो डी है। डेटा डिज़ाइन भी होता है, प्रोसेस डिज़ाइन भी है और यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन भी है। यूज़र इंटरफेस क्या होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, दैट इज़ GUI की फुल फॉर्म जो है वो कई बार पूछ लेते हैं, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये क्या होता है, जो चीज़ें हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखती हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ कहीं पर, जैसे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक किया मैंने, क्लियर, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो बेसिकली क्या हो रहा है कि वो बेसिकली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ही है, कि हमें चीज़ें दिखती हैं और हम वहाँ पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, रूट ऑफ द क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, क्लियर, रूट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का जो रूट है कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो वो आप ध्यान रखें कि वो इसका आंसर जो है वो कहाँ से है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस या फिर क्लासेस का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया था, सीमुला से आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ C++ ऑब्जेक्ट, C++ का ऑब्जेक्ट जो है वो इसको आपने चेक कर लेना है, शायद इसका आंसर जो है वो C in होना चाहिए। IO stream जो है वो हेडर फाइल है, हो सकता है रीड भी हो, बट मेरे अकॉर्डिंग जो है वो A है, फिर भी हम इसको एक बार रीचेक कर लेंगे 70 को, क्लियर। नेक्स्ट है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा स्ट्रक्चर जो है वो किस चीज़ का, डेटा स्ट्रक्चर के कौन कौन से जो है वो टाइप हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी होते हैं और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी होते हैं, क्लियर। सो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, A and B, सो इसका आंसर जो है वो C है। ध्यान रखना है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, नॉन लीनियर होते हैं जैसे ट्री है या फिर ग्राफ है, ये जो है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन से हैं, एरे, एरे के बाद लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट के बाद क्यू,
क्यू के बाद स्टैक, तो ये सारे के सारे कौन किस कैटेगरी में आते हैं, लीनियर। तो बोलने के बाद जो स्टेट होंगे वो लीनियर और जो टेढ़े मेढ़े होंगे वो कौन से हो जाएंगे, नॉन लीनियर। तो आपने ध्यान रखना है नॉन लीनियर में हमेशा दो ही आते हैं, एक ट्री और एक ग्राफ, क्लियर। और बाकी कोई भी अगर आपको पूछा जाए तो वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आएंगे, लीनियर की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डेटा स्ट्रक्चर इज़ नीडेड टू कन्वर्ट इन फिक्स नोटेशन टू पोस्ट फिक्स नोटेशन, इसका आंसर जो है वो स्टैक, दैट इज़ डी, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड, क्लियर। तो ये वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड होता है, जिसको लैटिन लैंग्वेज से इसको जो है वो ड्राइव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड, कंप्यूटर सिस्टम क्या इंक्लूड करता है, तो कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है और पेरिफेरल डिवाइसेस भी होते हैं, तो इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो आपने ध्यान रखना है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब बने थे, क्लियर। दूसरी जनरेशन जो सेकंड जनरेशन थी वहाँ पे ट्रांजिस्टर्स का कंसेप्ट आया था। थर्ड जो जनरेशन थी वहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए थे। फोर्थ जो जनरेशन है वहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर आया था। और फिफ्थ जो जनरेशन करंटली अभी चल रही है वहाँ पे जो अभी भी इन्वेंशंस हो रही हैं वो मेनली किस चीज़ की वजह से हो रही हैं, दैट इज़ एआई, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर रोबोटिक्स भी बोला जाता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पोर्टेबल कंप्यूटर, तो आपने ध्यान रखना है जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरीज में आते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, क्लियर। सो इसका आंसर जो है वो नन ऑफ दीज होगा, उसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं वो, बेसिकली जो डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप्स होते हैं जिनको हम इजीली कैरी कर सकते हैं। पोर्टेबल का क्या मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह आप इजीली ले जा सकते हैं, तो वो कौन से कंप्यूटर्स होते हैं, सो वो कौन से कंप्यूटर्स होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स जो है वो उनको बोला जाता है, लैपटॉप को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन द वैदर फोरकास्टिंग, वैदर फोरकास्टिंग के लिए कौन सा कंप्यूटर जो वो यूज़ करते हैं, सुपर कंप्यूटर यूज़ होते हैं, और इंडिया का कौन सा सुपर कंप्यूटर है जो वैदर कास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखें कौन सा होता है, प्रत्यूष, प्रत्यूष कंप्यूटर जो है वो वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसके नोट्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ पहले। आपने ध्यान रखना है वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर करे था, फिर इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर पर्म था, फिर पर्म के भी कई वर्जन जो है वो आगे आ चुके हैं, और मोस्टली इंडिया के जितने भी सुपर कंप्यूटर्स हैं उनको कौन सी कंपनी बनाती है, सीडैक, जिसका हेड ऑफिस जो है वो पुणे में है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सीपीयू, सीपीयू का कौन जो है वो पार्ट नहीं है, तो सीपीयू का यहाँ पे आपने ध्यान रखना है प्रोग्राम यूनिट जो है वो सीपीयू का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक, माइक्रो प्रोसेसर के साथ आप क्या क्या बना सकते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर के साथ आप कैलकुलेटर्स भी बनाते हैं, कंप्यूटर्स भी बनाते हैं, और कोई दूसरा डिजिटल सिस्टम भी जो है वो बना सकते हैं, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ये भी आपने ध्यान रखना है, क्लियर। कोशिश करें कि एक क्वेश्चन से जो बाकी ऑप्शंस बचती हैं वो क्या क्या हैं उसको भी आपने स्टडी करना है, कई बार एक क्वेश्चन से ही दो या तीन क्वेश्चंस जो हैं वो और बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, सारे के सारे जो है वो इनपुट डिवाइसेज हैं एक्सेप्ट प्रिंटर, प्रिंटर को छोड़ के सारे जो है वो इनपुट डिवाइसेज हैं। हाउ कैन वी मेजर द स्पीड ऑफ रैम, स्पीड ऑफ रैम जो है वो कैसे मेजर की जाती है, कैपेसिटी के साथ नहीं करते हैं, बस विड्थ और बस स्पीड के साथ जो है वो किया जाता है, सो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी, क्लियर। नेक्स्ट इज विच इज आर द कंप्यूटर मेमोरी दैट डज नॉट फॉरगेट, इनमें से कौन सी जो ऐसी कंप्यूटर मेमोरी है जो भूलती नहीं है कभी भी किसी चीज़ को, तो वो कौन सी होती है, रैम, इसलिए क्योंकि रैम को जो है वो मैन्युफैक्चरर बनाता है, रैम को हम नॉन वोलेटाइल भी बोलते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोम, रीड ओनली मेमोरी, क्लियर। रैम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, पी रोम भी जो है वो एक बार इसको हम इरेज जो है वो कर सकते हैं कंपनी के थ्रू या मैन्युफैक्चरर के थ्रू, इसको प्रोग्राम एक बार जो है वो किया जा सकता है, तो रीड ओनली मेमोरी जो है वो कभी भी अपना डेटा भूलती नहीं है, यही रीज़न है कि इसको जो है वो नॉन वोलेटाइल भी बोला जाता है। रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसके दो कैटेगरीज जो और भी हैं वो मैंने आपके साथ नोट्स में शेयर किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी स्टोरेज इज स्लो, सबसे स्टोरेज मेमोरी जो है वो कौन सी होती है, ऑप्टिकल डिस्क जो है वो सबसे स्लो है। ऑप्टिकल डिस्क कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, जैसे सीडी और डीवीडी, सीडी और डीवीडी ऑप्टिकल है वो,
ठीक है, उससे फास्ट जो है वो कौन सी होती है, मैग्नेटिक डिस्क, उससे फास्ट जो है वो रैम आप बोल सकते हैं, और उससे भी फास्ट जो, यहाँ पे अगर पूछा जाए कि सबसे फास्ट कौन सी है, तो सबसे फास्ट जो है वो कौन सी मेमोरी है, कैश मेमोरी है यहाँ पे, ठीक है। सबसे स्लोएस्ट जो है वो ऑप्टिकल डिस्क है, अगर यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क नहीं होता तो मैं अपना आंसर जो मैग्नेटिक डिस्क करता, तो मैग्नेटिक डिस्क को ही हम जो है वो हार्ड डिस्क भी बोलते हैं, जो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क बोला जाता है, क्लियर। ये भी आपने टर्म जो है वो ध्यान रखनी है। नेक्स्ट केस है, अ करेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन ई बी सी डी ई आई सी, तो 8 बिट्स का होता है ये, आप ध्यान रखें। इसकी फुल फॉर्म आपने नोट कर लेनी है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज, क्लियर। एक और भी होता है कोड, दैट इज अस्काई, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और ये इसके नोट्स में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, अस्काई, क्लियर। और ये कितने बिट्स का होता है, 7 बिट्स का होता है, और अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII, ये आपने ध्यान रखना है। कई इन दोनों में से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आपको जो पूछा जा सके, क्लियर। और अस्काई जितने भी कीबोर्ड पे कीज़ होती हैं, हर की का एक अस्काई कोड होता है, ये नोट्स में मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नेसेसरी टू वर्क ऑन कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर पर आपने काम करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम लैंग्वेज इज़ नोन एज, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कोडिंग। जब भी हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो इसका मतलब हम कोडिंग कर रहे हैं, जैसे जो प्रोग्रामर्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। कोबोल इज़ वाइडली यूज इन एप्लीकेशन, तो आपने ध्यान रखना है कॉमर्शियल, क्लियर। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो ही शायद कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, या फिर कॉमर्शियल बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, एक बार आप इसको रीचेक कर लें, क्लियर, कोबोल की फुल फॉर्म। नेक्स्ट, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ प्योर प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो आपने ध्यान रखना है सी जो है वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, सी प्लस प्लस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, और जो जावा है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, क्लियर। सो इसका आंसर जो है वो क्या है, सी। नेक्स्ट इज 89, क्वेश्चन 89 है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच कन्वर्ट एन इंटायर प्रोग्राम इंटू मशीन, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, तो जो उस इंटायर यूज़ किया है यहाँ पे, क्लियर। सो इसका आंसर जो है वो कंपाइलर होगा, अगर लाइन वाइज लाइन यूज़ करते तो इसका आंसर जो है वो इंटरप्रेटर होता। सो यही रीज़न है जी, कंपाइलर जो है वो फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरप्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज़ के भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सो विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, जैसे विंडो 7, विंडो विस्ता, विंडो 8, विंडो 9, क्लियर। और विंडोज़ के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इनको कौन सी कंपनी बनाती है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो डेवलप करती है, बट यूनिक्स और लिनक्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्लियर। ये जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो आपको नेट पे फ्रीली अवेलेबल मिलते हैं, फ्रीली अवेलेबल जो है वो होते हैं वहाँ पे, क्लियर जी। नेक्स्ट, इन MS विंडोज़ डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द टास्क बार, कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, तो टास्क बार के बिल्कुल राइट में जो है वो आपको टाइम एंड डेट जो है वो मिल जाता है। इसको टास्क बार का भी टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर किया था कि टास्क बार के 4 रीजन्स होते हैं, एक स्टार्ट बटन, क्विक बार लॉन्चर, और जहाँ पे आइकन्स आप बना सकते हैं, क्लियर। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर का साइन बना होता है, इसको आप इंक्रीज़ या कम या ज़्यादा जो है वो साइंस वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देन है मिनिमाइज़ विंडो, जहाँ पे मैक्सिमम जितने भी एप्लीकेशंस आपने ओपन किए होते हैं वो सारे जो है वो मिनिमाइज़ होके वहाँ पे रख सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं आप उनको। और जो सबसे राइट साइड में सिस्टम ट्रे प्रेजेंट होती है टास्क बार में, जहाँ पे टाइम का साइन आता, टाइम दिखता है आपको, या डेट दिखती है, या नेटवर्क का साइन दिखता है, स्पीकर का साइन दिखता है, बैटरी का साइन दिखता है, ये सारी चीज़ें जो वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, सिस्टम ट्रे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कीवर्ड इन MS वर्ड इज़ यूज टू अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑन बूथ लेफ्ट एंड राइट, सो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, जस्टिफाई करते हैं, तो जस्टिफाई करने की फुल फॉर्म क्या होती है, सॉरी शॉर्टकट कमांड क्या है, Ctrl+J। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग इन MS वर्ड, तो आपने ध्यान रखना है नॉर्मल वहाँ पर होता है, कंडेंस्ड वहाँ पर है, एक्सपेंडेड वहाँ पर है, लूजली जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी टाइप ऑफ ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल इन ड्रॉइंग टूल बार इन MS Excel, ठीक है, तो ना तो 4 है इसका आंसर, ना 5 है, ना 10 है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं आपके पास। सो इसका आंसर जो है वो नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसको चेक करना हो आप तो आप विंडो को, सॉरी अपना जो MS वर्ड
एमएस वर्ड 2007 का जो रिबन है उसको कस्टमाइज़ करके आप चेक कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा टूल्स जो हैं वो वहाँ पे आपके पास अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेन्यू इन एक्सेल हैज़ फंक्शन लाइब्रेरी। तो ये आपने ध्यान रखना है किस में होती है, फॉर्मूला में। फॉर्मूला में आप जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पे फंक्शन लाइब्रेरी ओपन हो जाती है, जिसमें इनबिल्ट फॉर्मूलाज जो हैं वो पहले से प्रेजेंट होते हैं, आपको सिर्फ उनको यूज़ करना होता है। अलग अलग कैटेगरीज के हैं, मैथमेटिकल होते हैं या स्टैट से रिलेटेड हैं, साइंस से रिलेटेड हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड फंक्शंस वहाँ पे इनबिल्ट हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ फंक्शन का नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1000 वैल्यूज़ हैं, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू आपने ढूंढनी हो तो आप इक्वल टू MAX और ब्रैकेट, स्टार्टिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट लगा देंगे। फॉर्मूला हमेशा जो है वो इक्वल टू साइन के साथ स्टार्ट होता है, ध्यान रखना, चाहे वो फॉर्मूला आप खुद बना रहे हैं चाहे आप इनबिल्ट फॉर्मूला जो है वो यूज़ कर रहे हैं। और इनबिल्ट फॉर्मूलाज को ही हम जो है वो यहाँ पे फंक्शंस बोलते हैं, तो ध्यान रखें आप। सो विच मेन्यू ने एक्सेल हैज़ फंक्शन लाइब्रेरी, तो ये आपने ध्यान रखना है फॉर्मूलाज में होती है। आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है वो एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से है। सो अगर आपके घर में लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप एमएस वर्ड और एक्सेल को यूज़ करना स्टार्ट करें। कौन सी ऑप्शन जो है वो किस टैब के अंदर आती है उसको नोट कर लें, क्लियर। वहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपको ज़रूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल चार्ट रिप्रेजेंट ओनली वन वैल्यू फॉर ईच वेरिएबल। तो इसका ध्यान रखना है आपने, जो इसका आंसर क्या होगा, पाई। पाई के, पाई में क्या होता है, एक सर्कल बना देते हैं ऐसे करके, और सर्कल के जो पोर्शंस होंगे उन पोर्शंस में जैसे ऐसे करके बना दिए तो एक ही चीज़ जो वो रिप्रेजेंट की जाएगी। मान लीजिए ये 50% हो जाएगा, यहाँ पे आपका 25% कंटेंट आ जाएगा और यहाँ पे आपका 25% जो है वो आ जाएगा। बट ये सारी चीज़ें जो है वो एक ही चीज़ को बिलोंग करेंगी, इसलिए क्लियर। जैसे मान लीजिए कि कहीं किसी सिटी की आप स्ट्रेंथ को काउंट कर रहे हैं कि जनरल कितने हैं, SC कितने हैं, ST कितने हैं, सो वो बेसिकली आप कर कह रहे हैं कि आप जो स्ट्रेंथ है वहाँ पे, क्लियर, ह्यूमन बीइंग्स की, उसी को आपने काउंट किया, तो इसलिए वो वेरिएबल जो है वो एक ही कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड। कौन सा जो वो ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नहीं है, तो ध्यान रखना है कर्व्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। फॉन्ट टाइप, इंसर्ट, बोल्ट, ये सारे जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कर्व जो है वो ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का पार्ट नहीं है, कहाँ पे, MS पावर पॉइंट में। नेक्स्ट इज़, इन पावर पॉइंट रिव्यू प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ, ये किस चीज़ की फैसिलिटीज़ जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, तो इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। वहाँ पे कमेंट, रिसर्च और थ्रेजरर, ये सारी ऑप्शन जो है वो आपको मिलती है। थ्रेजरर्स में क्या होता है कि किसी इंग्लिश वर्ड से रिलेटेड अगर आप सिनोनिम देखना चाहते हैं, सिंपल वर्ड्स जिनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द, तो वो जो है वो आप थ्रेजरर के साथ देख सकते हैं। बाकी एक फीचर स्पेल चेकर का भी होता है, वो सिर्फ आपको स्पेलिंग सही करके बताता है कि किस पर्टिकुलर वर्ड की स्पेलिंग जो है वो क्या होगी, क्लियर। सो इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इन DBMS विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईजली मॉडिफाइएबल, किस चीज़, DBMS में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप किस चीज़ को ईजली जो है वो चेंज कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, स्कीमा, क्लियर। DBMS में निम्न में से कौन सा आसानी से बदलने योग्य होता है, तो उसको क्या आंसर है, स्कीमा। स्कीमा को जो है वो आप ईजली चेंज कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इन हायरार्की मॉडल रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन। हायरार्की का क्या मतलब होता है कि रिकॉर्ड्स को आपने ट्री के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। तो ये ट्री है, ट्री में इसको हम क्या बोलेंगे, रूट, और ये बाकी उसके जो है वो आगे चाइल्ड्स हो जाएंगे, क्लियर। तो हायरार्की मॉडल में रिकॉर्ड्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है ट्री के फॉर्म में, ये आप ध्यान रखें ऐसे करके। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये रूट नोड है, इस रूट नोड के दो चाइल्ड हैं, एक लेफ्ट चाइल्ड, एक राइट चाइल्ड, क्लियर। फिर आगे इस, ये जो इसका जो पेरेंट था, इस पेरेंट के आगे जाके जो है वो कितने नोड हैं, इसका एक ही चाइल्ड नोड है लेफ्ट साइड वाला। ये जो पेरेंट नोड है इसका लेफ्ट नोड भी है, लेफ्ट चाइल्ड नोड भी है और राइट चाइल्ड नोड भी है। तो ऐसे जो है वो रिकॉर्ड्स को हम मेंशन करते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो हम प्रीवियस वाले लेक्चर में कर चुके हैं। मैं आप सबसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इन तीन चीज़ों को, इन तीन एप्लीकेशंस को जो है वो आपने यूज़ करना स्टार्ट करना है। कौन सी ऑप्शन कहाँ पे है, किस ऑप्शन का क्या काम है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पूछी जा सकती हैं। तब तक आप इसको करिए, नेक्स्ट हम जो है वो आगे करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।